in middle of May of 2024, in the last 8 to 10 months, the macro indicators have moved in the right direction. जो फिस्कल साइड पे वो डिसिप्लिन आया है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें आपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कम से कम 2 से 3 महीने ऐसे थे जहां सरप्लसेस थे, लेकिन उसमें जो ओवरऑल खसारा है फॉर दिस फिस्कल ईयर विल बी लेस देन $1 बिलियन। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो आपको मालूम है कि हैड गॉन डाउन टू क्लोज टू $3 बिलियन, और लिटल ओवर $3 बिलियन विच इज़ इक्विवेलेंट टू 15 days ऑफ इम्पोर्ट कवर, have now exceeded $9 billion, which is equal to roughly 2 months of import cover. और उसकी वजह से करेंसी जो है वो स्टेबल है. इन्फ्लेशन जो 38% को पीक की वो इस वक्त 17% है और बतदरीज उसमें कमी आ रही है. स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने हैज़ रिएक्टेड पॉजिटिवली एंड हैज़ हिट ऑल टाइम हाईज. हमने पहली दफ़ा फॉरेन बाइंग देखी है. मैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स को मिलता रहा हूँ वॉशिंगटन DC में, और यहाँ पिछले हफ्ते भी उनसे मुलाकात हुई है. सो दिस फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आल्सो कमिंग बैक इनटू पाकिस्तान, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिकॉज बोथ डोमेस्टिक एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर बिगिनिंग टू शो ए लेवल ऑफ ट्रस्ट इन टर्म्स ऑफ द वे वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अब यहाँ से हमने आगे कैसे जाना है कि ये जो 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन हुआ, this is Prime Minister Shehbaz Sharif who took it through the finishing line in his previous administration, and it was under his watch ke ye successfully conclude hua. aur isme main ye zarur kahunga ke jo caretaker administration thi unko bhi pura credit jata hai in terms of showing the necessary discipline to take us through the finishing line on the 9 month SPA. ab ye jo muzakarat hone ja rahe hain, jaise aapko maloom hai ki team pahunch chuki hai, kal subah उनके साथ फॉर्मल किक ऑफ है, और उसके इस तकरीब के फौरन बाद मैं इस्लामाबाद रवाना होऊंगा ताकि वो उसकी प्रेपरेटरी मीटिंग्स जो हैं वो इस वक्त जारी हैं. तो ये जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट लॉन्गर एंड ए बिगर प्रोग्राम, और उसकी दो वजूहत हैं. एक तो ये है कि हमने परमानेंस लानी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें इस वक्त नज़र आ रही है, और दूसरा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है. और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ये जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, एंड देयरफॉर ये जो प्रेसिडेंट साहब ने पहले बातें की हैं कि हमने ये इसको जो बर्डन ऑफ टैक्स है इसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो डॉक्टर हफीज पाशा यहाँ सारे बात करके गए हैं कि टैक्स टू GDP कहाँ है, हमारे जो करीबी ममालिक हैं वो कहाँ हैं, और इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है. तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी. दे आर थ्री वेरी की रिफॉर्म्स जिन पे हम काम कर रहे हैं. टैक्स टू GDP, द सेकंड थिंग इज़ एनर्जी, उसमें मैं एक मिनट में वापस आता हूँ, एंड द थर्ड थिंग इज़ SOE रिफॉर्म्स एंड द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा, क्योंकि उस पर भी यहाँ बातें हुई हैं. तो टैक्स टू GDP में हमें दो चीज़ें करनी है. पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनमें हमने इन्फोर्समेंट लानी है. POS की बात हुई, वो आज से 3-3.5 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ, और इस वक्त सिर्फ 9,400 POS इम्प्लीमेंटेड है. टैक्स एंड ये ट्रैक एंड ट्रेस की बात हुई, उसमें मैं पहली बात कर चुका हूँ कि फंक्शनैलिटी थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, वो कैसे नहीं हुई और क्यों नहीं हुई उसको हम दोबारा आगे लेके जा रहे हैं, और उसको क्योंकि ये शुरू होना था टोबैको से, फिर आना था शुगर पे, फिर फर्टिलाइज़र पे, फिर सीमेंट पे, एंड देन इनटू अदर सेक्टर्स, एंड द रियलिटी इज़ डिड नॉट हैपन द वे इट वॉज सपोज टू हैपन. तो उसमें हमें इन्फोर्समेंट लानी है, एंड ये सारी वो जो लीकेजेस हैं इनको हमने रोकना है, और फिर वी हैव टू ब्रिंग अंडर टैक्स एंड अनटैक्स सेक्टर्स इनटू द पिक्चर. और देखें ये कोई अभी बात हो रही थी फेलियर हो गया नहीं फेलियर हो गया, ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है, बट वी हैव टू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम शुरू नहीं होंगे तो वहाँ पहुँचेंगे नहीं. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की, कि जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन रुकती जाएगी उतनी इसमें बेहतरी आएगी, महसूलात में भी बेहतरी आएगी, ट्रांसपेरेंसी में बेहतरी आएगी, और क्लाइंट एक्सपीरियंस में बेहतरी आएगी. और हमने मैकिन्जी को अपॉइंट कर दिया है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, दिस बीन फंडेड बाय द गेट्स फाउंडेशन, और मंडे से कल सुबह से इंशाल्लाह दे विल गेट मोबिलाइज
to work with the tax authority to start moving in this end-to-end digitalization. दूसरी बात हुई जी कंपेटिटिव एनर्जी की. जितनी बातें यहाँ कही गई हैं वो बिल्कुल ठीक कही गई हैं और हमें उनको बिटवीन द मिनिस्टर ऑफ पावर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम इनको उनके साथ हम इसको आगे लेके जा रहे हैं. उसमें भी दो चीज़ें हैं इन्फोर्समेंट एंड व्हाट वी नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ इस्तलाह. इन्फोर्समेंट इन केस ऑफ एनर्जी इज लीकेज विच इज एन यूफिज्म फॉर थेफ्ट. तो हमने उस थेफ्ट को रोकना है और वहाँ इन्फोर्समेंट आएगी. और दूसरी चीज़ है कि हमने जो डिस्कोज हैं जो अभी ट्रांसमिशन की बात की गई डिस्कोज को हमने कैसे लेके जाना है आगे. उसकी पहली चीज़ आप देखेंगे कि हमने उनके जो बोर्ड्स हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं. उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग ला रहे हैं और वो इंशाल्लाह जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो आप देखेंगे जो वैस लगारी साहब उसको आगे कैसे लेके जा रहे हैं. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक टू 10 डेज यू विल सी द अनाउंसमेंट्स अबाउट दोज बोर्ड्स. और फिर ये जो डिस्कोज हैं हमने इनको कंसेशंस की तरफ लेके जाना है आला टर्किया और या प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो ये चीज़ें हम आगे लेके जा रहे हैं. एंड द थर्ड थिंग इज SOE रिफॉर्म्स. देर इज़ नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक SOE. और ये मैं चूँकि खुद कैबिनेट कमेटी को चेयर कर रहा हूँ ऑन SOEs. फ्राइडे को आपने देखा डार साहब ने जो मीटिंग चेयर की ऑन द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन. वी आर एब्सोल्युटली ऑन द सेम वेवलेंथ कि देर इज़ नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक SOE. तो कल ये जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह दोपहर में वी विल गो बैक टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड टू से कि ये सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें और इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह आके लेके जाएंगे. और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है वो भी होगी एंड वी एक्सेलरेट द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा. सो आई थिंक देखिए मैं इसमें आखिर सिर्फ ये बात कहूँगा कि जो बातें कही गई हैं वी आर टेक ऑल ऑफ दोज प्रपोजल्स ऑन बोर्ड. प्राइवेटाइजेशन में भी जिस साहब ने भी कहा कि आप सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स देख रहे हैं बोथ इन PIA एंड इन द इस्लामाबाद एयरपोर्ट दे आर लोकल इन्वेस्टर्स हु आर बिडिंग एंड आई होप दे टेक इट फॉरवर्ड विद द फॉरेन ऑपरेटर्स. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं. एंड आपने जो बात की जी खवातीन की जो पार्टिसिपेशन है एब्सोल्युटली क्रिटिकल. हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है बांग्लादेश को देखने की ज़रूरत है. Participation of the women in the workforce has been a very important part in terms of how they have taken it forward. मैं once again जी FPCCI का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. आप लोग संडे को आपने ये यहाँ ये महफिल जो है मुनक्कद की. वी विल इंशाल्लाह दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द डायलॉग. वी विल इंशाल्लाह स्टे इन डायलॉग एंड टेक इट फॉरवर्ड विद योर हेल्प. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू जी. थैंक यू SYA. मैं सिर्फ ये कहूँगा आपको कि मैं पहले भी कह चुका हूँ आई रिपीट इट कि हमेशा ये बात होती है कि जहाँ IMF का प्रोग्राम आता है यहाँ पहले भी गालबन बात हुई कि इट्स ऑल अबाउट स्टेबलाइजेशन एंड आई डू नॉट बाय इनटू दैट. और उसकी वजह ये है कि दो सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल हमारे अपने कंट्रोल में हैं जैसे आपने कहा एग्रीकल्चर एंड IT. और एग्रीकल्चर के भी बात भी हुई कि 5% से ग्रो कर रहा है वाई कांट इट ग्रो एट 7, 8, 9%. और यहाँ सिर्फ बात हुई क्रॉप्स की लेकिन जैसे आपने जिक्र किया है मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर GDP इज एक्चुअली डेयरी एंड लाइफ स्टॉक. इवन इफ यू डोंट गो इन द डायरेक्शन ऑफ द नेदरलैंड्स इवन इफ यू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन. क्योंकि उस दिन मेरी डेयरी एसोसिएशन वालों से मुलाकात हुई आपके तवज्जो से तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स वहाँ आनी शुरू हो गई हैं राइट और एक्सपोर्ट सरप्लसेस आने शुरू हो गए हैं. तो इसमें जी हम बिल्कुल हर किस्म की सपोर्ट करेंगे in this sector and then IT which is the third largest freelancer population in the world and it's all in our control ke hum usme policy kya dein financing kya dein. Mia Idris sahab my greeting you Idris sir. Dekhiye main isme sirf aapko ye kahunga ke jaise aapne zikr kiya ye jo hum investments bhi ki baat kar rahe hain through SIFC others you know metals and mining is a very important part of that sector to isliye aapke jo bhi proposals hain because prime minister himself is now going to be chairing the export board aur unhone aapne akhbaron mein padh bhi liya hoga ki every 2 weeks he wants to chair this taaki jo kinks hain in terms of our red tape bureaucracy etc you know that starts getting removed.
तो इसमें मैं सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है इंडस्ट्री से अगेन कि देखें ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है और इसमें एक ट्रांजिशन का एक फेज़ आएगा. बट इम्पोर्ट लेड सब्सिडी सपोर्टेड बिजनेसेस आर नॉट सस्टेनेबल इन पाकिस्तान एनी मोर. तो हर जो शोभा है, हर जो फैक्ट्री है, हर जो इंडस्ट्री है शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि ए सर्टन अमाउंट हैज़ टू बी एक्सपोर्टेड. बिकॉज ये अभी बात हुई नहीं बिकॉज इस वक्त टाइम की कमी है, क्योंकि हमने इस IMF से आगे भी तो जाना है ना. तो उसमें जो टाइम टू जो रोड टू मार्केट है उसमें आपका एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो इस वक्त सऊदीज़ के साथ बात हो रही है, लेकिन यूरोपियन इन्वेस्टर्स भी इसमें आ रहे हैं, इस वक्त चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आपने कुछ खबरें उसमें पढ़ भी ली हैं. एंड द थर्ड थिंग इज़ आर इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स. तो सर आपके जो भी इस पे प्रपोजल्स हैं वो ज़रूर हमें बताइए, इंशाल्लाह वी विल कंसीडर देम. जी ज़ुबैर तुफैल सर. नहीं देखें मैं तो क्या रोशनी डालूँ, मैं ऑलरेडी आपके कहने से पहले मैं ये बात कर चुका हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटिव एनर्जी, बिकॉज आपका यहाँ ये इशू है जो कराची में इंडस्ट्री है उनका गैस का इशू है, एंड वी नीड टू सेट डाउन बिटवीन जो, और इस पर अभी काम हो भी रहा है, ये भी मैं आपको बता दूँ, अवैस लगारी साहब और मुसद्दिक मलिक साहब आर वेरी एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज हमें इसका इदराक है. क्योंकि देखिए इंडस्ट्री नहीं चल सकती ऐसे, और इसी वजह से LSM जो है वो इट इज़ वेर इट इज़, एंड द इंटरेस्ट रेट रिजीम वो तो मैं पहले ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि 25-26% पे ये काम आगे नहीं चलेगा. तो इस पर दोनों का हमें इदराक है और हम इसी तरह इसको इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे. बट ऑल आई वॉन्ट टू से कि हमें ये यू नो जो आपने बात की है वी आर एक्टिवली कंसिडरिंग इट कि शॉर्ट टर्म रिलीफ क्या हो सके और फिर स्ट्रक्चरल इसका सोल्यूशन क्या निकल सके, बिकॉज हमें इसका स्ट्रक्चरल सोल्यूशन निकालना है. जी बिल्कुल ठीक है जी, आपकी जो पहली बात है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, और यू नो आई कीप ऑन स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न बिकॉज आई बीन ऑन द जॉब जस्ट फॉर 2 months, लेकिन जो बात मुझे समझ आती है वो मैं बिल्कुल खुलकर बात करता हूँ, और इसीलिए FBR की जो असलाहत हैं उनमें ये एक मैंने डिजिटलाइजेशन की बात की है, दूसरी ये है कि जो डॉक्टर शमशाद बात करके गई थी वो बिल्कुल ठीक बात करके गई थी कि पॉलिसी को कलेक्शन से सेपरेट किया जाए. बिकॉज होता क्या है कि जब पॉलिसी इज सपोज टू फॉलो एन ओवरऑल प्लान कि उसमें इन्वेस्टमेंट कैसी आनी है, बिजनेसेस को कैसे फैसिलिटेट करना है और इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं. मसला ये होता है कि जब पॉलिसी और कलेक्शन आपस में मिल जाती है देन वी गो टैक्टिकल, राइट, बिकॉज वहाँ इफ द मैथ इज़ नॉट वर्किंग देन वी गो टैक्टिकल. तो ये जो चीज़ है इसको हमने स्ट्रक्चरल बेसिस पे FBR को दुरुस्त करना है. दूसरा जो आपने बात की है जी रेयर मेटल्स की बात की है और मेटल्स एंड माइनिंग की बात की है, ये मीडियम टर्म में इज़ द सिंगल लार्जेस्ट अपसाइड फॉर पाकिस्तान. रिकोडेक इज ओनली द स्टार्ट. सर पहले इसका मैं आपका पहले जवाब देखूं. लेट मी बी वेरी क्लियर, हमने टैक्स नेट बढ़ाना है बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ IMF. जो ऑलरेडी नेट में हैं उन पे हम फर्दर बोझ एक लेवल तक लेके जा सकते हैं. ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद हम हर चीज़ के लिए हर वक्त मशावरत के लिए मौजूद हैं और इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन हम इसमें से अब पीछे नहीं हट सकते सर, क्योंकि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है. लेकिन सर उसमें तो देखें पावर मिनिस्ट्री से ऑलरेडी क्लेरिफिकेशन आ चुकी है, तो वो अब मैं चूँकि आ चुकी है इसलिए मैं फर्दर उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा. वैसे ही बोलते ठीक है जी. तशरीफ रखें. हम सबको ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन ये कोई ऐसी तो नई चीज़ नहीं है ना कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक चीज़ आ गई है और इस वजह से आपको पता ही नहीं है कि ये हमें किसी वक्त हमें ये टैक्स को ब्रॉडन करना है. तो ये कोई ऐसा बहुत कोई अजूबा चीज़ नहीं है,
लेकिन आपके साथ इंशाल्लाह मुशावरत ज़रूर करेंगे। और जो आपने फिस्कल साइड पे की है जी, वो आपके जो प्रपोजल्स हैं हम उसको ज़रूर देखेंगे। और तीसरी चीज़ जिसका आपने ज़िक्र नहीं किया है, मैं खुद ज़िक्र कर देता हूँ कि मैं महीना पहले स्टेट बैंक में गया था और मैं सारे जो बैंक के CEOs हैं उनको मैंने ख़ास तौर पे दरख्वास्त की थी कि तीन जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें IT है और उसमें SME है, कि इसमें आप फाइनेंसिंग बढ़ाइए। और मेरी कल ही चेयरमैन पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन से बात हुई है, उनकी प्रपोजल्स वापस आ गए हैं, क्योंकि देखिए आपको फाइनेंसिंग की भी इसमें ज़रूरत है और आपकी बैलेंस शीट्स हैं उनको भी आप थोड़ा सा बेहतर बनाइए, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में लाइए, अल्लाह खैर करेगा। ये दो दो किताबें जो रखनी हैं इसको थोड़ा सा आप भी बैंकों के लिए थोड़ा सा आसान कीजिए उनके लिए कि वो आपको एवेल्यूएट कर सकें। और उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो आपकी फाइनेंसिंग बढ़ा सकें, ताकि जितनी आपकी फाइनेंसिंग बढ़ेगी उतना इंशाल्लाह आपका कारोबार बढ़ेगा। आपने इसका जिक्र नहीं किया, मैंने खुद आपकी बिहाफ पे मैंने उनको रिक्वेस्ट की है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री विल मेक एन अनाउंसमेंट इन द नेक्स्ट 2 weeks और सो कि SMEs के लिए इंशाल्लाह फाइनेंसिंग कैसे आगे जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दो मिनट के लिए तशरीफ़।